भोपाल एक हॉस्पिटल में भीषण आग की घटना में चार नवजात मौत नो कोड़ियो बनी गया। आग की घटना समय हॉस्पिटल चिल्ड्रन वोर्ड में 40 नवजात था, जेमाथी 36 ने सुरक्षित रीते बहार काढ़ी शकाया। हॉस्पिटल में भीषण आग, चार बाळको बन्या काळनो कोळियो। भोपालनी हमीदिया हॉस्पिटलनी घटना, 36 बाळकोने बचावी लेवामां आव्या। भोपालना हमीदिया हॉस्पिटलना पीडियाट्रिक वोर्डमां सोमवारे रात्रे 9 वागे आग लागवानी घटना घटी छे, जेमां चार नवजात बाळकोना मोत थया छे, जेमांथी 3ना मोत श्वास रूंधावाना कारणे थया छे। 3 કલાકની જહેમત બાદ રાત્રે 12:30 વાગે ફાયર વિભાગની ટીમ આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો। ઘટના સમયે વોર્ડમાં 40 નવજાત બાળકો હતા, જેમાંથી 36 ને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા હતા અને 4 ને બચાવી શકાયા નહોતા। સરકાર તરફથી મૃતક બાળકોના સ્વજનોને 4-4 લાખ રૂપિયાની સહાય જાહેરાત કરવામાં આવી છે। અમને સ્વયં બચ્ચોને વોર્ડમાં સે શિફ્ટ કર્યા, દૂસરે વોર્ડમાં શિફ્ટ કર્યા હતા और चार बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले की जांच के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। एससीएस मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इसकी जांच करेंगे। जो बच्चे चले गए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको लाया नहीं जा सकता। चार्ट पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। મળતી માહિતી પ્રમાણે ચિલ્ડ્રન્સ વોર્ડમાં આગ લાગી હતી, તેની નવી બિલ્ડિંગમાં શિફ્ટ કરવાનો હતો, જેના પહેલા જ આગ લાગવાની દુર્ઘટના ઘટી છે। કેટલાક લોકોને સ્ટ્રેચરથી બહાર કાઢી અને બીજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા। 36 બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી। બહુ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હે, મેં તો સ્વયં 10 મિનિટ કે અંદર હી પહોંચ ગયા થા, હમને બચ્ચો કો શિફ્ટ કિયા। દૂસરે 40 બચ્ચે थे, जिसमें से 36 सुरक्षित हैं, पर ये सभी क्योंकि क्रिटिकली होते हैं। एसएनसीयू में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। अभी हम पूरी उनकी इलाज चल रहा है। आ दुर्घटना पाछड़ अलग अलग कारणों बाहर आवी रहा छे, जेमा केटलाके कह्यु के सिलिंडर के वेंटिलेटर में ब्लास्ट थयो छे, तो कितला के शॉर्ट सर्किट ना कारणे पण आग लागी होवानी आशंका व्यक्त करी छे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ मामले रिपोर्ट मांग्यो छे, साथे ज हॉस्पिटल ने बाळकोनी सुरक्षा अने इलाज ना आदेश पण आप्या छे। ब्यूरो रिपोर्ट, मंतव्य न्यूज़।